Okay, let's go. Assalamualaikum everyone, कैसे हैं जी? मुझे सारे ठीक ठाक मजे में होंगे. वेलकम टू माई चैनल अनीशा रिएक्ट्स. और जी, जिसका इंतजार था, मुझे भी बहुत इंतजार था, आप सबको भी था कि लियो का जो है ना कुछ अपडेट आए. तो अपडेट क्या आनी है, ट्रेलर ही आ गया और जबरदस्त किस्म का. देखते हैं जी इसमें क्या है, कौन कौन है, क्योंकि संजय बाबा का भी है कि वो भी आ जाएंगे. वैसे हैं वो बाबू ही जी, अपने मन मौजी, जब दिल चाहता आते हैं, जब दिल चाहता है चले जाते हैं. ठीक है, तो इसमें जी विजय है और संजय दत्त है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि संजय दत्त है और वो क्या किया, बस अनिरुद्ध लिखा हुआ है. ठीक है, तो चले जी स्टार्ट करते हैं. मैं हिंदी में देखूंगी और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, जल्दी से लेट नहीं करते, फटाफट से देखते हैं कि क्या, उसके बाद करते हैं बंद. सीरियल किलर सड़क के बीच में खड़ा होकर पागलों की तरह गोली चला रहा था. बहुत से लोग सड़क पे मरे पड़े थे और वो बहुत बदमाश था, सबको मार रहा था. तभी एक बहादुर पुलिस ऑफिसर शेर की तरह वहां पर आया और उसने सीरियल किलर पर गोली चलाई. पुलिस ऑफिसर जब गन रिलोड कर रहा था, सीरियल किलर ने उस पर गोली चला दी. तो अब पुलिस ऑफिसर की गन तुम्हारे हाथ में है और वो सीरियल किलर टारगेट पे है. क्या करोगे? वो सबको बेवकूफ बना सकता है, दुनिया को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन अपन को बेवकूफ नहीं बना सकता. वो चुप नहीं बैठेंगे, भेड़ियों की झुंड की तरह तुम पर हमला करेंगे. तुम यहां नहीं रह सकते, तुम्हारी जान को खतरा है. अब से हमारी नई नॉर्मल जिंदगी यही है ना, चुप कराओ, चुप कर जाओ, ये सोच सोच के हम कहीं मर ही ना जाए. क्यों मेरे परिवार के पीछे पड़े हो? अगर वो मेरे जैसा दिखता है तो मेरा क्या कसूर? उल्टा तुम लोगों ने मेरा सीना हराम कर दिया. तू किसी भी बिल में घुस जा, अपन तेरे को उधर से ढूंढ के निकालेगा. जिस सच की तलाश है वो हमें सिर्फ लियो बता सकता है. Rest in peace. ये मूवी का ट्रेलर था या ये कोई बॉम्ब है यार जो फटेगा अभी, इतना जबरदस्त किस्म से. और क्या फिल्म बनाई है यार, मतलब इतना जबरदस्त जो है ट्रेलर दिया है. जैसे कि विजय की सबसे बड़ी बात की जाए कि विजय मेरा फेवरेट एक्टर है वो, और वो हर एक के, क्योंकि जब वो कोई फिल्म करते हैं ना तो उसमें ऐसा लगता है वो उस जो है करेक्टर के अंदर है और हम भी उस जो है करेक्टर में घुस गए. वो इतना ज़्यादा जो है दिल से उस चीज़ को जो है निभा रहे होते हैं. इसमें जो है दिखाया है कि वो कह रहे हैं कि वो अगर मेरे जैसा जो है दिखता है, यानी कि दो पार्ट हैं, तो हमसे एक विजय तो बर्दाश्त नहीं होता, आप दो करेंगे पड़ेंगे जी. और इसके अलावा जो सीनियर साउथ के एक्टर हैं वो भी इसमें हमको नज़र आए, संजय दत्त भी हमको नज़र आए, और बहुत अच्छी इन्होंने कास्ट ली है और फुल ऑन एक्शन है यार. समझ नहीं आ रहा फिर एक जो है, जैसे स्टार्ट में जो है कहानी और कोई है किसी बंदे की कि भाई वो उस तरह मार रहा है, फिर उसके बाद जो है कहानी क्या होती है, फिर जो है लियो कौन है, लियो का क्या सीन है. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें इन्होंने डाली हैं जो कि समझ नहीं आ रही, लेकिन इतना समझ आ गया है कि फिल्म जो है ना वो यार हिट होगी यार, ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म होगी ये, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंतज़ार था. और क्या ट्रेलर बनाया यार, फुल ऑन दिल खुश हो गया. और
विजय का तो काम ही बहुत अच्छा होता है, इसके अलावा जितनी भी कास्ट है और जितनी भी लोगों को जैसे कि वो भाग रहा है उसकी फैमिली के ऊपर, मुझे लगता है कि इस फिल्म में ये है कि उनके दो पार्ट्स हैं और फिर वो फैमिली जो बंदा ओरिजिनल है ना वो तो मेरा ख्याल है कहीं छुप जाता है, और फिर उसके बाद उनकी फैमिली जो है ना पूरी सफ़र करती है, जैसे वो अपने बच्चे को अपने सीने पर रख के जो है वो सुला रहे होते हैं, वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जब भी फादर बनते हैं ना विजय बहुत अच्छा करते हैं, इससे पहले भी मैंने इनकी फिल्म देखी है जिसमें इनकी छोटी सी बेटी होती है, तो बहुत अच्छी फिल्म होने वाली है, बहुत अच्छा ही ट्रेलर है। आप लोग अपनी राय का इजहार जो है ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को ये जो है कैसा लगा और आप लोगों को क्या लगता है फिल्म कैसी होने वाली है और इसमें क्या स्टोरी होने वाली है, मुझसे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दोबारा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।